नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, नई साल नई बात, मैं सोचा चलो इस टॉपिक पे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोगों के कमेंट भी कई बार आ जाते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे तो बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, हालांकि मैं इग्नोर कर देता हूं। मैटर क्या होता है, जैसे ही मैसेज इंक्वायरी के लिए बंदा करता है, रोज के 100 150 200 मैसेज आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। मैसेज जैसे ही मेरा ऑटोमेटिक मैसेज आता है कि भैया आप किसी तरह की इंक्वायरी लेना चाहते हैं, 500 रुपये फीस जमा करा के आप कॉल कर सकते हैं। बंदे को एक झटका लगता है बैंकर तरीके से, 11,000 की जो लाइन जाती है ऊपर से, 11,000 वोल्टेज की लाइन जाती है उसका, वो कितना बैंकर झटका देती है, वैसे झटका लगता है बंदे को। उसको लगता है कि यार पता नहीं अपना तो अपन तो बर्बाद हो जाएंगे। इससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। काफी सारे बोलते हैं सर आप यूट्यूब पे नहीं बताते, आप वीडियो में नहीं बताते, आप तो यहाँ पे चुपके से पैसे मांग रहे हो। भाई ज्यादा तो नहीं करूंगा, लेकिन फीस से रिलेटेड मैंने जो फीस वर्ड है कम से कम 50 वीडियो में नाम लिया है, सबको पता है इस बात का। जो रेगुलर व्यूअर है मेरे, रेगुलर जो वॉच करते हैं जानकारी के लिए, उन सबको पता है। दूसरी बात भाई, यहाँ इस धरती पे जो इंसान पैदा हुआ ना, कमाना उसकी मजबूरी है ना, कमाना किसी का शौक नहीं है, इंसान की मजबूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि आप देख लीजिए, आपकी एग्जाम्पल की बात कर लें, आप वीडियो, आप किसी भी कंट्री से रिलेटेड, जरूरी नहीं कि आप मुझे फॉलो करें, किसी को भी फॉलो करते हैं, आप वीडियो देखते होंगे किसी कंट्री से रिलेटेड, तो क्या आप टाइम पास के लिए देखते हो? मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए खास तौर से जो व्हाट्सएप पे उनको मुझे ब्लॉक करना पड़ता है लास्ट में, ठीक है? क्या आप टाइम पास के लिए, कोई हमारे राजस्थान में मुरारी का कॉकटेल थोड़ी चल रहा है कि आप टाइम पास कर रहे हो और हंस हंस के मजे ले रहे हो। यहाँ पे आप अपनी मजबूरी में हर इंसान वीडियो देखता है जो उनको लगता है कि यार अपने को सही जानकारी मिल जाए किसी भी कंट्री से रिलेटेड, ताकि अपना काम हो जाए, अपने साथ कोई चीटिंग ना हो, इसलिए विदेश से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, चाहे वो मेरे वीडियो देखें या किसी मेरे अन्य लोगों का वीडियो देखें। रोज हजारों वीडियो पढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है? अब बात करेंगे साथियों कि जो भाई जिस किसी लोगों ने भी, मान लीजिए कितने भी लोगों ने, हालांकि पर डे एक या दो बंदा फीस मुझे डाल देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उन सबको पता होता है, स्लिप उनके पास है, मेरे पास भी है, आ जाती है। रोज के 200 मैसेज आते हैं, एक या दो बंदा फीस डालता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पिछले 2 3 4 महीने से जिन्होंने भी फीस डाली, अगर आपको आपने जो क्वेश्चन करे हैं रिप्लाई नहीं मिला, या आप संतुष्ट नहीं है, या आप रिप्लाई, आपको मान लीजिए हो सकता है कई बार मैं भूल गया या नहीं दे पाया, रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप जरूर उस वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने फीस दी है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आंसर दूं। हाँ, उन लोगों से थोड़े माफी चाहूंगा कि जो 500 रुपये देकर मेरे से जॉब की आस लगाते हैं कि आप मुझे अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर भेज दो, तो भाई माफ कीजिए, 500 रुपये में मैं जॉब नहीं अवेलेबल करवा सकता। मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं कि आप ऐसे करो, आपके साथ ये नहीं होगा, आप इस सिस्टम से बच जाओगे। और मैं अभी दो दो चार दिन में मैं काफी सारे लोगों को, मतलब इसके बारे मैं मेरी ये सोच है कि जो जिस बंदे ने फीस देके मेरे से किसी तरीके से, जैसे कोई ऑफर लेटर या कहीं अप्लाई कर रहा है कोई कंपनी ऑफिस के बारे में, मुझे लगता है कि उसको ये लगा है कि जो 500 रुपये दिए उसका काम हो गया, उसको कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है? हाँ, जो नहीं देते उनको ये जरूर लगता है कि यार ये तो फोकट के लग रहे हैं। अभी आज की रिसेंट बात है, किसी बंदे ने, मैं स्क्रीनशॉट भी कोशिश करके डाल दूंगा अगर मिल जाता है तो, क्योंकि व्हाट्सअप आते रहते हैं तो वो आगे से आगे निकलता रहता है, पता नहीं लगता। सर कुवैत का वीजा है, चेक कर दीजिए। मैं बोला कितने पैसे देके जा रहे हो? बोला सर 80,000 रुपये। फिर मैं बोला भैया ठीक है, फीस जमा करवाइए, कॉल वीजा भी चेक करेंगे आपकी, कंपनी सब डिटेल में बता दूंगा। तो बोला सॉरी सर, 500 रुपये मेरे पास नहीं है। उसके पास 1,000 80,000 देने के लिए है, लेकिन 500 रुपये वो बंदा नहीं दे सकता। मैंने वो वीजा चेक किया, वो सिर्फ उसका वीजा नंबर था, वो वीजा नहीं था, सिर्फ वो ऑनलाइन अप्रूवल जिसको बोलते हैं उसके बेस पे उसने 40,000 रुपये एजेंट को दे दिए। अब देखते हैं वो जाने, उसका काम जाने, उसके साथ कितनी ठगी होती है, कौन क्या होता है, वो अलग इश्यू होता है, ठीक है साथियों? तो कहने का मतलब है जिन्होंने फीस दी है उनको लगता है कि रिप्लाई सही नहीं मिला तो दोबारा कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है? और मेरे हिसाब से 90% लोग जो फीस दे के मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं उनको संतुष्टि मिल जाती है, क्योंकि वो 90% वो होते हैं जो जॉब की जरूरत नहीं होती, वो एडवाइस लेते हैं, कहीं ना कहीं अप्लाई किया हुआ होता है, सर मैं इस तरह से अप्लाई कर लूँ, आप मुझे ये बता दीजिए, तो जो भी होती है इंक्वायरी में करके उनको दे देता हूँ। काफी लोगों के मैसेज आते हैं सर यूट्यूब पे तो आप अलग बोलते हो, यहाँ पे अलग बोलते हो। देखिए यूट्यूब अलग सिस्टम है, अगर आप मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट करोगे तो फीस देनी पड़ेगी। अगर आप यूट्यूब में लगभग इंक्वायरी में देता हूँ, मेरे हिसाब से मैं 100% इंक्वायरी देता हूँ आपको, तो आप लीजिए, फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करोगे तो यार 500 रुपये, आप विदेश जा रहे हो, 1,00,000 रुपये का मैटर है, तो 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है? आपको सोचनी चाहिए, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी तो कमाने के लिए जा रहे हो ना। हर इंसान इस दुनिया में कमाने के लिए बैठा है भाई,
चाहे वो छोटे से लेके कितना ही बड़ा अरबपति हो, अरबपति होता है वो भी कमाता है, और जो जो दो रोट दो जून की जो जुगाड़ करता है रोटी खाने का वो भी कमाता है। समझ गए बात को? तो मुझे इस पे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि उनको ये हो सकता है वो दोबारा वीडियो देखें तो उनके समझ में आ जाए कि जो भी है वो सही है। आप अपने लिए करते हो, हर इंसान अपने लिए करता है, ठीक है। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से यार वीडियो बना के मैं डालता हूँ, लाखों लोग रोज देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं, किसी न किसी को तो फायदा होता है। पर डे अगर एक बंदा भी वीडियो देख के सजेशन उसको सही मिल जाता है तो मैं मेरे लिए अच्छी बात मानता हूँ कि चलो पर डे एक बंदा को सही गाइड मिल रहा है तो महीने के 30 बंदे मिल रहे हैं। कितना पैसा बनता है? एक बंदे का एवरेज 50 भी जोड़े तो महीने के 15 लाख बनते हैं भाई। तो कहीं ना कहीं लोगों का फायदा हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि यार नुकसान हो रहा है। पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करके किसी में एडवाइस लेते हो तो भैया 500 रुपये फीस, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी देने में। ठीक है साथियों, आज का वीडियो इतना ही था। मेरा मेन मकसद ये था भाई, उन लोगों के लिए जिन्होंने फीस दी है उनको लगता है तो दोबारा रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बस मेन बात तो वही थी, उनके लिए वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि लगभग 5-6 महीने में ऐसा मैंने कोई वीडियो फीस से रिलेटेड डाला नहीं था। तो आज मैं सोचा नई साल है तो शुरुआत मैं डाल दूं ताकि आप लोग दोबारा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी तो मैंने क्राइटेरिया भी रख दिया है कि 3 महीने तक आप आराम से कॉल कर सकते हो मुझे, क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि सर कितनी बार कॉल करें, सर एक बार बात करने के मुझे इतने पैसे 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो सर मैं कितने टाइम तक बात कर सकता हूँ, सर आप कैसे, तो उन्होंने साफ बता दिया भाई आप एक बार फीस दे के 3 महीने तक आप मुझसे बात कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में आपका काम नहीं होगा। आज आप अप्लाई कर रहे हो, 10 दिन बात कर रहे हो, तो 3 महीने में बंदा का हाँ या ना का कहीं पर भी आपने अप्लाई किया होगा उसका रिजल्ट आ ही जाता है और 3 महीने में आप बात मुझसे कर सकते हो। काफी सारे बंदे तो 500 रुपये फीस में 4-4 घंटियों की एडवाइस ले लेते हैं जिनको पता भी है। सर मले पहले मैं उसकी हिस्ट्री जाके देखता हूँ, आज से 1 महीने पहले मलेशिया के लिए हुई है, 15 दिन बाद सिंगापुर का ऑफर लेटर चेक करवा रहे हैं, फिर कोई दुबई का भेज दिया वो चेक करवा रहे हैं, फिर कुवैत का चेक करवा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है 500 रुपये में 4-4 कंट्रियों के बंदे इंक्वायरी ले रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बंदे को बचना चाहिए, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो आज का वीडियो इतना ही, काफी लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें साथियों, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सही इंक्वायरी सही समय पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।